थोड़ा बताइए, हमने जैसे सुना कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आया, बहुत गाने के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आप। एक सैड सॉन्ग है और ये वो गाना है ट्यूबलाइट फिल्म का जो दर्शकों को रुलाएगा। जिस वक्त एक भाई दूसरे भाई को याद करके ऐसा फील करेगा कि हेल्पलेस फील करेगा, ये उस गाना उस वक्त आएगा। और इस गाने में एक दर्द है, इस गाने में एक पेन है। कौसर मुनीर जी ने इस गाने को लिखा है और प्रीतम दा का म्यूज़िक है। और इस गाने में वो इंटेंसिटी है, इस गाने में वो प्यार, इस गाने में वो प्यार है जो पूरा नहीं हुआ। इस गाने में बेसिकली ये वो गाना है जो ईद पे आएगा और सबको रुलाएगा। म्यूज़िक को लेके कभी मैं प्रेशर फील नहीं करता, म्यूज़िक को मैं इन्जॉय करता हूँ। जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ तो मैं सारी अपनी जो दिमाग में चल रहा होता है सब पीछे छोड़ के जाता हूँ। गाना एक कॉन्वर्सेशन है जो मेरी कॉन्वर्सेशन है मेरे भगवान के साथ है, या जो मेरी कॉन्वर्सेशन है मेरे फैंस के साथ है, मेरे लिसनर्स के साथ है। तो एक कॉन्वर्सेशन को जब मैं मीन करता हूँ, जब मैं बात को कहता हूँ और फील करता हूँ, तो वो अपने आप भाव आता है। कहते ना, दिल से कहते हैं तो दिल तक पहुँच जाती बात। उस आइडियोलॉजी से मैं आगे जाता हूँ और गाने को डब करता हूँ, और गाने को गाने से ज़्यादा कह के आ जाता हूँ। जब गाने को कह देता हूँ तो गाना फील करने लगता है, गाना आगे बढ़ने लगता है, और मौके डेवलप होते हैं। ओके, सलमान का क्या रिएक्शन? सलमान साहब से मेरी जो पहली बार मुलाकात हुई, जब पहली बार मैंने लाइव गाया उनके लिए ये गाना, तो हमने सुनील ग्रोवर के शो पर स्पेशल नाइट विद ट्यूबलाइट में इस गाने को गाया था। उस वक्त मेरी सलमान साहब से मुलाकात हुई थी, तो सलमान साहब ने मुझे बताया कि उनको कितना पसंद आया और कितना अच्छा गाया है मैंने गाने को, और बहुत प्राउड फील हुआ जब इतने बड़े आदमी ने आपको इस तरह से बोला, बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत ही अच्छी राय दी कि आपका व्यवहार और आपका अच्छा काम आपको इस लाइन में या किसी भी लाइन में आपको आगे बढ़ाएगा। तो नेवर लेट सक्सेस गो टू योर हेड, एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ उन्होंने मुझे बोली जो मैं कभी भूलूंगा नहीं और हमेशा याद रखूंगा एक मैसेज की तरह। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरी आवाज़ काफ़ी पसंद है, मुझे उन्होंने बोला उन्हें बहुत पसंद है मेरी आवाज़, और भी मेरी आवाज़ में बहुत सारे गाने उन तक पहुँच रहे हैं। आई थिंक मैं बहुत ही लकी हूँ, ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि इतने कम वक्त में इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। जिन लोगों के नाम अखबारों में पढ़े थे, जिन लोगों की चेहरे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखे थे, उनके सामने खुद को खड़ा पा रहा हूँ, उनके साथ में खुद को खड़ा पा रहा हूँ, बहुत लकी हूँ। और मुझे लगता है कि लक से ज़्यादा इसमें मुझे जो मेरी मदद करी है वो ऑनेस्टी ने मदद करी है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से गाना गाता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है गाना गा देता हूँ, बहुत अच्छा साउंड करता है, म्यूज़िक डायरेक्टर खुश हो जाते हैं, डायरेक्टर खुश हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद खुश नहीं हूँ तो मैं फिर अगले दिन फिर जाके डब करता हूँ, फिर भी खुश नहीं हूँ, फिर अगले दिन। ऐसे मैंने 9 बार डब करा ज़िंदगी कुछ तो बता बजरंगी भाईजान के लिए, 9-10 दिन तक हर रोज़ जाके डब करा। प्रीतम दा बोलते थे जाओ यहाँ से स्टूडियो से, हो गया गाना, तो नहीं दादा प्लीज़ एक बार और। सो मैं उस थोड़ा नेचर से बिलोंग करता हूँ, तो शायद वो मेरा नेचर है जिस वजह से हमेशा जो अगला गाना है वो पिछले गाने से एक स्टेप ऊपर बढ़ रहा है, और मैं और बेटर ग्रो कर रहा हूँ एज ए म्यूजिशियन, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। गाने आते रहेंगे, हिट्स भी आते रहेंगे, कभी अच्छे हिट्स आएंगे, कभी अच्छी बातें लोग बोलेंगे, कभी बुरी बातें लोग बोलेंगे। सबसे ज़रूरी है कि एज एन आर्टिस्ट मुझे ग्रो करना है, एज एन आर्टिस्ट मुझे आगे बढ़ना है। प्रीतम दा का फ़ोन आया, प्रीतम दा ने बोला कि अरे तू कहाँ है? मैंने कहा दादा मैं इधर ही हूँ, आप बताओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो लिटरली इस तरह से कॉल आया, रात को बहुत लेट नाइट गया मैं, मतलब सुबह के 3-3:30 बजे। प्रीतम दा लेट काम करते हैं, एक्चुअली प्रीतम दा हर वक्त काम करते हैं, तो बट डबिंग रात के समय मुझे भी कंफर्टेबल रहती है और उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा टाइम है। तो उन्होंने बहुत रात को बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके गाना है और ट्यूबलाइट के लिए गाना है। रिएक्शन क्या था उस टाइम पे, कि मतलब ट्यूबलाइट के लिए गाना? रिएक्शन ऑनेस्टली मैं एक्साइटेड था गाना सुनने के लिए कि क्या गवाने के लिए बुलाया प्रीतम दा ने। पिछली बार जब बुलाया था तो ज़िंदगी बन के निकला था, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि अभी इस बार क्या गवा रहे हैं प्रीतम दा। जब गाना सुना मैंने तो मतलब दिल खुश हो गया, मैंने कहा क्या गाना है। मैंने प्रीतम दा को बताया कि दादा बहुत खूबसूरत गाना है और नहीं निभा पाया तो आगे नहीं जाऊँगा, तो जान डाल दी गाने में उसके बाद। फिर मतलब अपनी फुल अपने दिल से गाया और
प्रीतम दा और उनकी पूरी टीम ने जो वहाँ पे, और बहुत सारे लोग हैं उनके असिस्टेंट्स हैं, कौशिक, आकाश और अमित, बहुत सारे लोग हैं, बॉबी भाई, ये लोग, मतलब इट्स अ वेरी 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 गुड टीम, यू नो. प्रीतम दास ऑफिस इज़ लाइक अ टेम्पल ऑफ केओस. एक केओस चल रहा है लेकिन वो मंदिर है अपने आप में. तो उस टीम के साथ काम करके हमेशा एक अच्छा काम निकलता है आगे और सीखने को. उसका मुझे आइडिया नहीं ऑनेस्टली इस गाने के और वर्जन होंगे नहीं होंगे. ये गाना फिल्म में, इस गाने के इस वक्त, राइट नाउ देर आर टू वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग. एक राहत साहब ने गाया और एक मैंने गाया. फिल्म में मैं गा रहा हूँ और राहत साहब का गाना भी रिलीज़ हुआ है अभी रिसेंटली, विच इज़ डूइंग वेरी वेल टू. सिमिलरली बजरंगी भाईजान में भी मैंने ज़िंदगी गाया था, वो भी राहत साहब और रेखा जी ने गाया था. तो आई थिंक दिस होल ट्रेंड ऑफ वर्जन्स एंड इट्स दिस होल ट्रेंड ऑफ टू सिंगर्स और थ्री सिंगर्स सिंगिंग द सेम सॉन्ग्स, इट्स नाइस बिकॉज इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, ऑडियंस बड़ी हो चुकी है, रीच बड़ी हो चुकी है. हर इंसान के भी, राहत साहब के बहुत सारे फैंस हैं, उनको डेफिनेटली यू नो इट्स समथिंग फॉर हिज फैंस. सिमिलरली हर सिंगर के, हर आर्टिस्ट के अलग अलग फैंस होते हैं. तो अच्छा है जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएँ एक फिल्म, जितने ज़्यादा लोगों के लिए संगीत बने हो, अच्छी चीज़ है वो.